أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. सुरे बनी इसराइल के 53 नंबर की आयत है। गुज़िश्ता साल इससे अगला जो हिस्सा था वो हमने सुना था रमजान मुबारक। ये भाव वाला बाकी है, जहां से बाकी था वहां से आगे शुरू कर रहे हैं। इस आयत का तर्जमा ये है, और मेरे बंदों से कह लीजिए कि वही बात कहें जो बेहतर हो। शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। यह है आयत करीमा का तर्जमा। इस आयत का बैकग्राउंड पसे मंजर क्या है? यह सूरत मक्की है, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस्लाम का शुरू शुरू का जमाना है। एक तरफ मुसलमानों की जिम्मेदारी है गैरों तक दीन को पहुंचाना, दूसरी तरफ गैरों की तरफ से बे इंतहा तकलीफें मुसलमानों को पहुंचाई जा रही थी। और मुसलमानों का पोजीशन उस वक्त ऐसा नहीं था कि उनसे जिहाद कर सके। वो जो तकलीफें पहुंचा रहे हैं उनका मुकाबला कर सके, ये पोजीशन नहीं है। रोज बरोज की तकलीफों से तंग आकर बाद सहाबाए किराम रिद्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि हुजूर रोज इस तरीके से तकलीफें बर्दाश्त करके मर जाना, इससे बेहतर है कि आप इजाजत दें इनका मुकाबला करके मर जाए। मार खा खा कर जीना इससे बढ़कर अच्छा है कि हम भी मुकाबला करें। हम कहते हैं ना भाई, सामने वाला तीन मारेगा तो कम से कम एक तो मैं मारूंगा। परेशान हो गए तकलीफों से, सुबह शाम की परेशान है, तो हुजूर से इजाजत चाहिए। हमारे लिए इस मुल्क में आज के दौर में बहुत बड़ा सबक ही शायद है। वो जो हमसे कहा जाता है कि कुरान हर जमाने के लिए है, और वाकईतन है, इस आयत पर ध्यान देना। मेजोरिटी अक्सरियत किसकी है? गैरों की है, और मुसलमान अल्लाह के मानने वाले माइनॉरिटी में है, तादाद ज्यादा नहीं। जब उन्होंने जिहाद की इजाजत मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। ये नहीं कहा कि कहीं नहीं तुम कम हो, मेरी मदद शामिल हाल हो जाएगी, निकल पड़ो, ये बात नहीं हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुल लिअबादी, नबी जी मेरे बंदों से कहो, यकूलुल्लती ही अहसन, जब गैरों के साथ कुछ मामला हो उस वक्त अहसन यानी बहुत ही अच्छी बातें कहें। उनकी तरफ से परेशानियां हैं, तकलीफ है, उसके बावजूद हमारा सुलूक उनके साथ क्या होगा? अल्लती ही अहसन, बहुत अच्छी बातें हम उनके सामने करेंगे। इन्ना शैतान यंज़ग बैनहुम, अगर जरा बराबर भी हमने तुरस रुई इख्तियार की, करवी कसेरी बातें हमने शुरू कर दी उनके सामने, तो शैतान को मौका मिल जाएगा, और जैसे ही मौका मिलेगा वो लड़ाई भड़का देगा, और लड़ाई भड़केगी तो फिर सामने वालों में नफरत बैठेगी, और नफरत बैठ जाएगी तो वह ईमान से दूर रहेगी, करीब नहीं आएगी। इसने कहा कि कोई भी ऐसी बात अपनी जुबान से न निकाले जो लड़ाई को भड़काने वाली। भाई आज वही पोजीशन, वही माहौल हमारा भी है, माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी हमारी नहीं है, डिफाई पोजीशन में भी हम नहीं है। हमारे लिए तरीका कार यही है। बहुत सारे उलमा जो आज के हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अभी मक्की दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? हम अहसन यानी बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन बातें गैरों के सामने रखें, इस्लाम की खूबियों को बयान करें।
एक और सामने उसके बयान किया गया कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी गैर ने बुरा भला कहा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसके मुकाबले में जवाब में बुरा भला कहा, और हजरत उमर ने यह चाहा तो उसका काम तमाम कर दे। उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ऐसा करने से शैतान का काम बन जाएगा, तुम्हारे दरमियान और गैरों के दरमियान खाई और खटक बढ़ जाएगी, वो दूर हो जाएंगे। जब दूर होंगे तो इस्लाम की खूबियों को जानेंगे नहीं, जब जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे। आज भी कोशिश यही है कि इस्लाम के नाम से, इस्लाम की तरफ से ऐसी ऐसी बातें डिक्लेयर की जाती है जो इस्लाम ने कभी नहीं कही, और वो ख्याल बयान किए जाते हैं इस्लाम के नाम से जो इस्लाम के ख्याल है ही नहीं। उसका वाहिद मकसद यही है कि दूसरे लोग इस्लाम से मुतनफिर रहे, नफरत करते रहे, इस्लाम के करीब ना रहे। सुबह अगर वो करीब आ गए तो इस्लाम तो खूबियों से बड़ा है, वो उसका असर लिए बगैर रहेंगे नहीं। इसलिए हम जो है वो उम्मत दावत है, हमारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया को दीन की दावत देना है, और दीन की दावत देने में हिकमत, मसलहत और मौका, माहौल के तकाजे को सामने रखकर काम करना बहुत जरूरी है। गैरों में दावत का काम कैसे हो सकता है, इस्लाम कैसे पहुंचाएंगे? एक एक छोटी से छोटी चीज पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बारीक नजर रखी है, हुजूर ने करके दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद दूसरे मुल्कों के जो बादशाह थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनको खत लिखे। हुजूर ने उन खतूत के अंदर एक खत रूम के बादशाह को भेजा, निरंकुश, रूम का बादशाह है, ईसाई है, खत भेजा, दीन की दावत देना था। खत लेकर सबसे पहले किन को भेजा? हजरत दिहिया कल्ली रजी अल्लाह तआला, एक सहाबी है, हजरत दिहिया कल्ली रजी अल्लाह तआला। अब इतना बड़ा काम था, दीन की दावत पेश करनी थी, तो उसके लिए आप हजरत अबू बकर को भी भेज सकते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को भी काम सुपुर्द कर सकते थे, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद थे, हजरत अली मुर्तजा भी मौजूद थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दिहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला को भेजे, उसकी वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है कि हजरत दिहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला का चेहरा ईसाइयों के चेहरे से मिलता जुलता, रूमियों के चेहरे से मिलता जुलता, चेहरे में एक मुनासिबत। जब कोई अजनबी आता है और अपने समाज का मालूम होता है तो आदमी को पहले से एक उनसियत कायम हो जाती है, तो अपना आदमी, आदमी बड़ी मोहब्बत से उसके साथ सुलूक करना है। तो एक काम तो हुजूर ने किया, हजरत दिहिया कल्बी को भेजे, उनका चेहरा रूमियों से मिलता जुलता, तो एक तो सामने वाले ये असर लेके, तो अपना आदमी है, जब अपना आदमी है तो उसकी बात भी सुनेंगे, सुनेंगे तो खूबियां उनके सामने आएगी और वो असर लेंगे। दूसरा काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो खत लिखा था उसमें क्या लिखा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिरक्ल अजीम रूम सलामुन अला मन तबाल हुदा। खत के अंदर ये लिखा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खत है, किसकी तरफ, अजीम रूम की तरफ, रूम के बादशाह की तरफ, उसको बादशाह कहा, अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाज़े सहाबा किराम ने एतराज भी किया कि हुजूर आप इतना बड़ा लकब उसको दे रहे हैं, अजीम कह रहे हैं आप, बड़ा बादशाह कह रहे हैं आप, इतनी ताजी। हुजूर ने फरमाया कि वहां के लोग उसको इसी नाम से बुलाते, तो वहां के लोग जिस नाम से बुलाते हैं हम भी उसी नाम से उसको मुखातब करेंगे। जिसकी जो इज्जत है उसको देनी चाहिए, जिसकी जो रिस्पेक्ट है, जो मर्तबा है वो मलबूस रखना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी ख्याल रखा, ऐसा नहीं कि इस्लाम हक है, ईमान में दाखिल हो जाओ नहीं तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, ऐसी बातें हुजूर ने नहीं, छोटी से छोटी चीजों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लिहाज रखा। इसी तरह हजरत मुआद बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था वहां का गवर्नर बनाकर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या नसीहत फरमाई, बहुत बड़ी बात है। हुजूर ने फरमाया था, या मुआद इन्नक सताती कौमन अहलल किताब फइदा जितहुम फदउहुम इला अन यशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, के मुआद
वहां जाने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि तुम जिस कौम के पास जा रहे हो वो अहले किताब है, वहां जाकर उनसे इस बात की तलकीन करना, दावत देना कि कलिमा पढ़ लो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे, सबसे पहला काम है। फिर उसने फरमाया فَإِنْهُمْ أَطَعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, अगर वो कलिमा पढ़ लेते हैं, दीन की दावत को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद उनसे कहो कि रात दिन में 5 नमाजें आपको पढ़नी, पहले ईमान पेश करना है, वो कबूल करे तो दूसरा स्टेप ये है कि आपकी जिम्मेदारी ये होगी ईमान लाने के बाद कि रात दिन में आपको 5 नमाजें पढ़नी। उसके बाद फैन हम आता उलक बिदारिक फाखबिर हम अन अल्लाह कद फरज अलैहिम सदका, नमाज का इकरार कर ले, उसको मान ले, उसके बाद जकात का हुक्म उनको सुनाना, यानी स्टेप बाय स्टेप। आप जाकर एक साथ मत कह देना कि कलमा पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जकात दो, इसके ये हुकूक है, उसके ये हुकूक है, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नहीं। आसानियां पहले सामने वालों के सामने पेश की जाए, पहले कहो कलमा पढ़ो, पढ़ लिया उसके बाद कहो कि आप 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो जाओ, उसके बाद कहो कि आपके पास से जकात भी ली जाए, इससे बस सामने वाले पर बोझ न पड़े। और जब जकात की बात मान ले तो जकात के बारे में उनको ये भी बता देना कि तू खदू मिन अग्नियाहिम, ये जकात उनके मालदारों से ली जाएगी और उन्हीं के गरीबों में दे दी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये महसूस हो कि ये तो हमसे पैसे ऐंठने के वास्ते ईमान की दावत दे रहे हैं, हम मुसलमान हो जाए तो ये जकात के नाम पर हमारे पास से रकम बतौरने वाले हो जाए, ऐसा नहीं। ये भी सफाई कर देना कि तुम्हारे मालदारों से जकात लेंगे और तुम्हारे गरीबों को तकसीम कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से दीन की दावत गैरों के सामने पेश की जाती है स्टेप बाय स्टेप। आज हमारे अंदर इन बातों की बहुत कमी है, हिकमत और मसलिहत के साथ दीन की दावत अगर पेश की जाएगी तो उसका एक असर होगा, मौका माहौल की नजाकत को समझना, उसके मुताबिक फैसले करना, अमल करना जरूरी होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने लाडले नबी से हुक्म फरमाया जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन वग़लुज अलैहिम, काफिरों से और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनसे सख्ती से पेश आओ, अल्लाह ताला का हुक्म है। हुजूर ने इस पर अमल किया जब भी मौका आया, लेकिन दूसरी तरफ हुजूर का अमल ये भी था कि उन्हीं मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल जब वो मर गया, उनके बेटे जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि मेरे वालिद की नसीहत ये थी और वसीयत ये थी, वसीयत कि मुझे आपके जुब्बे मुबारक में कफन किया जाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उतार कर उसको दिया है। हालांकि कुरान का हुक्म तो क्या था, जाहिदी कुफार वल मुनाफिकीन, कुफार और मुनाफिकीन से लड़ जिहाद करो, वली जाने ही सख्ती से पेश आओ, लेकिन यहाँ जो उनके लड़के मुसलमान हो गए थे उनकी दिलदारी करना जरूरी था, तो हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक उतार कर दे दिया और उनकी जनाजे की नमाज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, क्योंकि उस वक्त का तकाजा यही था, तो उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए, तो जैसा मौका हो वैसा सुलूक लोगों के साथ करना चाहिए। इन शैतान इंसान बैनहुम, शैतान उनके दरमियान निजा यानी झगड़ा डाल देता है। शैतान तो हमारा पुराना दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, मौके की तलाश में रहता है। आप मामूली कोई लफ्ज बोल गए, सामने वाले को शैतान ने भड़का दिया, अब वो आपसे मुतनफिर हो गया, नफरत करता हो गया, अब वो आपसे दूर हो जाए, आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए कोई मौका ऐसा शैतान को ना दे जिससे वो झगड़ा पैदा करे। इसीलिए तो हुजूर ने कहा कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के सामने हथियार से इशारा भी ना करे, हथियार से इशारा भी, आपके हाथ में चाकू है, छुरी है, आप यूं इशारा भी ना करें, बल्कि आदब में से यूं बताया है कि यूं घुमा कर उल्टा करे दस्ता उसकी तरफ, वो छुरी का भी और उसकी जो धार है वो आपकी तरफ, थोड़ा भी मौका शैतान को ना दे। दोस्त अहबाब बैठे हैं, हुजूर ने उंगली से यूं करके कंकरी मारने से भी मना फरमाया, क्योंकि उससे किसी को लग गया वो नाराज हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, सामने वाले की आंख में लग जाएगा, दांत में लग जाएगा और वहां से भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएगा, हुजूर ने उससे भी मना फरमाया।
तो शैतान को कोई भी मौका न दे। इसी तरह गैरों के साथ भी हम यही तरीका इख्तियार करें कि हमारे ऊपर कितना ही चाहे इल्जाम लगाए जाए, टीचर उछाला जाए, लेकिन हम तो बस इस्लाम की खूबियां ही लोगों के सामने बयान करें। इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान करीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया बयान किया है। वत्लु अलैहिम नबा बनी आदम बिलहक इन करबा कुर्बान फतुक्बिल मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिन अलआखर قال لا تلنك قال انما يتقبل الله من المتقين। आदम अलैहि सलाम के दो बेटे थे, एक नेक था, दीनदार था, दूसरे के आमाल बुरे थे। अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया। उस जमाने में कुर्बानी आपकी कबूल हुई कि नहीं, उसकी निशानी ये थी कि आसमान से आग आती थी और उसको खा जाते थे। हाबिल और काबिल दो भाई हुए हैं, तो हाबिल नेक तबीयत के थे, उन्होंने कुर्बानी पेश की, आसमान से आग आई, उसको खा गई, यानी इनकी कुर्बानी कबूल हो गई। और जिसका नाम काबिल था वो असल में नाकाबिल था, उसके आमाल अच्छे नहीं थे। उसने कुर्बानी पेश की, गल्ला अनाज वगैरह, लेकिन आसमान से आग नहीं आई और उसकी कुर्बानी कबूल नहीं। वो अपने भाई से नाराज हो गया और कहने लगा, ला तुलन, मैं तुझे मार डालूंगा, कितनी संत बात है, मैं तेरी जान ले लूंगा। इस लफ्ज के मुकाबले में उनके जो भाई थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि खाली हाथ उठाकर तो देख ले फिर देखते क्या होता है, नहीं, इन्होंने बेहतरीन जवाब दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि भाई मेरी कुर्बानी कबूल हुई और तेरी नहीं हुई, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जो नेक होते हैं, परहेजगार होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं की कुर्बानी कबूल करते हैं, तो मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, तेरे आमाल अच्छे नहीं है तो तेरी कुर्बानी कबूल नहीं है, ये जवाब होगा। तुर्की पर तुर्की जवाब ना, कि सामने वाला एक गाली दे तो हम बढ़ चढ़ कर दो गाली दें, ऐसे हर काम हिकमत और मसीहत के साथ। जब ऐसे दीन की दावत देने वाले खड़े हो जाएंगे जो हर काम में हिकमत और मसीहत को सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह दूसरे लोग इस्लाम का बहुत जल्दी असर कबूल करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके साथ एक और सहाबी है हजरत काब बिन सिवान रजी अल्लाह तआला। एक औरत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की खिदमत में आई, आकर बैठ गई और अर्ज किया कि हजरत मेरे जो शोहर हैं इतने नेक हैं कि शायद दुनिया में उनके जितना नेक आदमी कोई नहीं होगा। दिन भर रोजे रखते हैं, रात भर नमाज में गुजारते हैं, उनके जितना नेक आदमी कोई नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उस औरत का मंशा नहीं समझ सकी कि औरत क्या कहना चाह रही है। हजरत उमर यूं समझे रजी अल्लाह तआला कि औरत अपने शोहर की तारीफ कर रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, बारक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी बरकत दे, तुम्हें माफ फरमाए। समझ नहीं पाए औरत जिस गर्ज से आई थी, जिस मकसद से आई थी, वो पूरा नहीं हुआ, बैठी रही, फिर थोड़ी देर के बाद जाने लगी। जब औरत बाहर चली गई तो जो दूसरे सहाबी बैठे थे हजरत काब बिन सिवार, उन्होंने कहा कि हजरत ये औरत अपने शोहर की तारीफ करने नहीं आई थी, ये औरत अपने शोहर की शिकायत लेकर आई। कहा कि कैसे? कहा कि इसने कहा दिन भर रोजे रखते हैं, रात भर इबादत में मशगूल रहते हैं, तो मियां बीवी के जो हुकूक होते हैं वो अदा नहीं करते, इबादत के शौक में हुकूक अदा नहीं हो रहे, ये शिकायत लेकर आई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सही बात है। बोला वो सौरभ खुश हो गए कि तुमने बहुत पते की बात बताई। जब वो औरत आई, हजरत उमर ने उससे पूछा कि क्या मामला है, शिकायत लेकर आई थी? कहा कि हाँ, दरअसल में शिकायत लेकर आई थी, मेरे शौहर को इबादत का बहुत शौक है, बहुत गलबा है, दिन भर रोजे, रात भर नमाज, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं हो रहे, ये शिकायत। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत काब सिवार रजी अल्लाह तआला से कहा कि तुमने पहचाना तो तुम ही फैसला करो, कब क्या करना है। कहा कि देखो अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने ज्यादा से ज्यादा चार औरतों से निकाह करने की इजाजत दी। अब अगर कोई आदमी इस पर अमल करते हुए चार औरतों से निकाह करे तो रोजाना एक एक दिन उनके पास गुजारेगा,
तो हर चौथे दिन पर औरत का नंबर आएगा, हर चौथे दिन। इससे मालूम होता है कि हर चौथा दिन औरत का हक है, हर चौथा दिन औरत का हक है। तो आप इसके शोहर को यह फैसला सुनाओ कि तीन दिन तीन रात तक आप इबादत में मशगूल रहे, लेकिन चौथा दिन और चौथी रात इनके हवाले। ये होती है हिकमत, ये होती है मारिफत, ये होती है पहचान, मौका और माहौल के हिसाब से इन चीजों के हमारे अंदर कमी। इन सारी चीजों को मलहूस रखकर अगर हम दीन की दावत देने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह हमारी दावत का एक असर होगा। तो आज मैंने आपके सामने कुरान करीम में से सूरह बनी इसराइल की एक आयत पढ़ी थी, आयत का तर्जमा मैंने आपके सामने कह दिया। उसका खुलासा और उसका सबक हमारे लिए ये है कि जब भी गैरों के सामने कोई ऐसी बात पेश आ जाए तो हमारी कोशिश ये हो कि लड़ाई झगड़े तक बात को न पहुंचे। अगर लड़ाई झगड़े तक बात पहुंचेगी तो हम अपने इस्लाम की खूबियां उन तक पहुंचा नहीं सकेंगे, उन लोगों को नफरत हो जाए। और हमारा पोजीशन वही है जो मक्की दौर में सहाबा किराम का था, उस पर हम अमल करने वाले बने। दावत चाहे अपनों के दरमियान हो या गैरों के दरमियान, सामने वाले की इज्जत का ख्याल रखकर। इसीलिए तो भाई ट्रस्ट के दिन एक आदमी को इस्तकबाल के लिए बिठाया जाता है, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आने वाले को सलाम करे, उसको अच्छे नाम से पुकारे, उससे कहे कि नमाज बाकी हो, वुजू करना बाकी हो, पेशाब पानी करना बाकी हो, तो देखो ये टॉयलेट इधर है, वुजू खाना इधर है, आप नमाज से फारिग हो जाओ। तो आने वाले को भी महसूस होता है कि बहुत इज्जत है। फिर धीरे से दावत होकर नमाज से फारिग हो गए, अब अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो तो थोड़ी देर दिन की बात होती है उसमें बैठ जाओ, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सामने, तो उसका असर हो। घर में जब जमात निकलती है तो यही कहा जाता है कि जो आवाज देने वाला आदमी है वो आवाज देगा अच्छे नाम से पुकारे, गुलाम भाई कहाँ है। ऐसा नहीं कि बेतकल्लुफ है तो कुछ भी बोल दिया आपने, ऐसा नहीं। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उसके मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी दावत असर करेगी। तो इस आयत के अंदर मक्की दौर का एक नमूना बताया गया कि शुरू का दौर था, गैरों की तरफ से परेशानियां और मुसलसल तकलीफें मुसलमानों पर थी। उस वक्त मुसलमानों में से कुछ सहाबे किराम ये चाहते थे कि हम भी बदला लें, लेकिन अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि बदला लेने की जल्दी मत करो, आप अभी अच्छे ही तरीके से उनके सामने इस्लाम को पेश करो। और अहसन का लफ्ज है, एक हसन यानी अच्छा और एक अहसन यानी बहुत अच्छा। तो हमसे हसन का मुतालबा नहीं है, अहसन का मुतालबा है। अमल में भी अच्छे से अच्छे अमल लिया बुजुर्गों को अयुब को अहसन हुआ अमल वकुल इबादी यकुलु लती ही अहसन, अहसन कर बहुत अच्छा रवैया हमारा, बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। तो किसी को नमाज की दावत दे तो भी इन चीजों का ख्याल रखे, दीन की दावत दे, जमात के लिए दावत दे, तालीम के लिए दावत दे, इन तमाम चीजों को सामने रखकर दावत देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी दावत असर करेगी, अल्लाह ताला उसको बरकत देंगे। और ये सहाबा किराम की कारगुजारी है, मुसलमानों की कारगुजारी मक्कतुल मुकर्रमा के ऐसे माहौल में भी उससे यही कहा गया कि आपको अभी से तलवा बिठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग आगे चलकर ईमानदार दाखिल होने वाले थे, अल्लाह ताला ने मंजूर कर लिया था, उनकी तकदीर अल्लाह को मालूम थी। तो ये अखलाक अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत करीमा में बताया, बकिया बाकी इंशाल्लाह आइंदा का। हमारे गुनाहों से माफ फरमा दे, हमारी कथाओं को दरगुजर फरमा दे। फिलहाल अलमीन आपने अपने फजल व करम से रमजान का महीना हमें नसीब फरमाया, उस महीने की कदरदानी करने की हमें तौफीक अता फरमाइए, इबादतों पर हमारी मदद फरमाइए। या मौलाए करीम हम बहुत कमजोर हैं, या मौलाए करीम नफ्स भी हमारे पीछे लगा है, फिलहाल अलमीन इबादतों पर हमारी मदद फरमाइए। दिन का रोजा, रात की तरावीह में कुरान पाक को सुनना, दिन भर कलाम पाक की तिलावत करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, जिक्र अज़कार में अपने वक्त को गुजारना,
इन तमाम चीजों की हमें तौफीक अता फरमाइए। इस आयत करीमा में जो दर्स हमें मिला है अच्छे अखलाक का, अच्छी तरीके से इस्लाम की बातों को पेश करने का, दावत को पेश करने का, फिलहाल इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। हमारी बातों को और हमारी दावतों को मुअस्सिर बनाइए, उसके अंदर इलाहालमीन असर डाल दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाइयां हमारे लिए मांगी है हमारा हिस्सा उसने अता फरमाई, और जिन बुराइयों से और जरूरों के दर से बना चाहिए हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की पूरी पूरी हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अकदस पर पूरी उम्मत की तरफ से लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नाज़िल फरमाइए। जज़ाकल्लाहु अन्ना मुहम्मदन इमामु वाहदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.